नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज की बड़ी खबर सीएम सिटी करनाल से आ रही है, जहां पंजाब के गुरदासपुर के भाजपा सांसद सनी देओल के पिता मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का जीटी रोड स्थित ढाबा हीमैन सील कर दिया गया है। नगर निगम करनाल ने कार्यवाही करते हुए नोटिस छपाया है। 14 फरवरी को खुद धर्मेंद्र ने रिबन काटकर इस ढाबे का उद्घाटन किया था। नगर निगम ने पुलिस बल को साथ लेकर यह कार्यवाही की है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी हीमैन रेस्तरा श्रृंखला की शुरुआत करनाल से की थी। 14 फरवरी को करनाल जीटी रोड हाईवे पर नई अनाज मंडी के सामने रेस्तरा खोला था। शुक्रवार को ढाबे के बाहर नगर निगम की टीम, पुलिस और प्रशासन पहुंचा। प्रशासनिक अमले को देखकर स्टाफ और ग्राहक घबरा गए। सभी को बाहर जाने के लिए कहा गया। इसी बीच स्टाफ से प्रशासन की बातचीत हुई। हालांकि प्रशासन ने एक ना सुनी और सभी को बाहर निकलने के लिए कहा। कुछ ही देर में ढाबे को खाली करवा दिया गया। टीम के साथ आए ड्यूटी मजिस्ट्रेट करनाल तहसीलदार राजबक्श का कहना है कि इस ढाबे में अनाधिकृत निर्माण कार्य किया गया है। इसके लिए पहले भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया था। तहसीलदार ने बताया कि जमीन मालिक की ओर से शिकायत दी गई थी। वहीं जमीन मालिक ने बताया कि ढाबे के लिए लीज पर जमीन ली गई थी, लेकिन ढाबे में अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। मना करने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन को शिकायत दी गई। करनाल तहसीलदार राजबक्श ने बताया कि इन्हें नोटिस दिया गया, बिल्डिंग में भी नोटिस लगाया गया है। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो कार्यवाही की गई। वहीं सुरक्षा के चलते पुलिस भी मौके पर तैनात रही। थाना सिटी एसएचओ ने बताया कि पहले भी सील कराने के आदेश आए थे, लेकिन फोर्स नहीं मिलने की वजह से कार्यवाही नहीं हो सकी थी। करनाल नगर निगम की टीम और पुलिस बल को देखते हुए स्टाफ और ग्राहकों में हड़कंप मच गया। निगम की टीम ने गेट बंद करके ताला जड़ते हुए सील लगाकर नोटिस छपाया। मामला टैक्स से भी संबंधित बताया जा रहा है। कुछ ही समय पहले अभिनेता धर्मेंद्र ने यह ढाबा लिया था। ओनरशिप चेंज हुई है, लेकिन नगर निगम को अभी प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना था। इसे लेकर ढाबे के स्टाफ ने भी एतराज जताया है। वैलेंटाइन डे को धर्मेंद्र ने लोगों को ढाबे के रूप में तोहफा दिया था। उद्घाटन के दौरान अभिनेता धर्मेंद्र ने दावा किया था कि इसमें ऑर्गेनिक और शुद्धता के साथ परंपरागत व शाकाहारी खाना परोसा जाएगा। यह हाईवे ढाबे की तर्ज पर ही होगा। यहाँ गांव की माटी की सौंधी खुशबू से युक्त खाद्य पदार्थ गांव के खेतों से खाने की टेबल तक पहुंचेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। तो लीज के कारण इन्होंने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली थी, उसके कारण ये सारा हुआ। हमने इनको भी नोटिस डाला है, पुलिस में भी इनकी कंप्लेंट करी थी। तो ये सारा काम गलत कर रहे थे हीमैन वाले। धर्मेंद्र का कोई नाम ले रहे हैं, वो इसको मिल के कर रहे हैं। कोई विकास चौधरी है यहाँ पे जो सारा मतलब ये हुआ है। तो अब इनसे बातचीत चल रही है, ये ठीक है, यहाँ पे वो करते हैं। बाकी अभी रूम साइड पे ये भी 10-12 दिन पहले ही है, हमने इनको 2-3 बार मना किया कि ये मत करो इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने हाँ एक बार ये NH1 हाईवे पे एक हीमैन नाम से एक रेस्टोरेंट है, और जिसके कि पहले भी हमें एक बार आदेश आए थे इसको सील करवाने की, जिस टाइम हमारे पास फोर्स अवेलेबल नहीं थी। और आज फिर दोबारा डीसी साहब के ऑर्डर हैं, जिस पर हमारे साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, यहाँ के तहसीलदार साहब श्री राजबक्शी। ये तो देखिए फोटो वगैरह तो धर्मेंद्र देवल की, अब किसका है किसका नहीं यही बताएंगे, पर हमारे साथ जो ये नगर पालिका ये आई हुई है, म्युनिसिपल कमेटी अपना ऑर्डर लेके आए इसको सील करने के, वो सील कर रहे हैं और इन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जी। इसका इन्होंने अनऑथराइज कुछ बिल्डिंग बना दी थी, तो उसके लिए इनको सील किया जा रहा नगर निगम। कहाँ पर और किस नाम से है ढाबा? ये हीमैन के नाम से ढाबा है, तो इसको सील किया जा रहा है। तो किनका है सर ये? ये देखो हीमैन के नाम से, ये नहीं मेरे को पता किसका ढाबा है। मतलब फिल्म एक्टर धर्मेंद्र से ही जुड़ा हुआ है? हाँ ऐसा लग रहा है, उनकी फोटो लग रही है तो ऐसा जी। तो जी। सील कर दिया गया है जी, सील कर दिया है। दिया गया था हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नोटिस हुए हैं, पेस्ट इनके बिल्डिंग के ऊपर भी लगे हुए नोटिस, तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.